Hello you all. Thank you so much for being with me for watching this video. As you know, we are doing active voice and passive voice, okay? जैसे कि आपको पता है कि हम passive voice कर रहे हैं आजकल, right? I have uploaded lectures pertaining tenses passive voice. Today I am going to deliver this lecture about marry, about marry and no. ठीक है, आज के जो मेरा लेक्चर है ये है marry पर और no पर, कि जब हम marry और no का जब हम passive voice बनाएंगे वो हम किस तरीके से बनाएंगे और इसमें हम इसका structure किस तरह होगा, चाहे टेंसेस की तरह हम इसका करेंगे या क्या टेंसेस की तरह हम इसका करेंगे या इससे थोड़ा अलग है. ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स और अक्सर जब हम जुमले बनाते हैं पैसिव वॉइस में नो का और मेरी सेंटेंसेस बनाते हैं मेरी के साथ, अक्सर हमें मसले होते हैं कि हमें वैसे ही बाय का यूज जो कि हम टेंसेस में करते हैं, ठीक है, वो बाय हम यहाँ पे यूज करते हैं. मॉडलिटीज में जो हम बाय का यूज करते हैं, मॉडल में, टेंस में यूज करते हैं, ठीक है, थीके? तो उस तरीके से हम यहाँ पर भी बाय का यूज करते हैं. ठीक है, थीके? ये तो ये दो ऐसे वर्ब हैं कि जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हम इसमें वो नहीं करेंगे, वो बाय का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम बाय के बजाय इंस्टेड ऑफ बाय वी हैव टू यूज टू. ठीक है, इसमें ये एक है कि जब हम इसका यूज करेंगे तो उसमें हम बाय का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम टू का यूज करेंगे. ठीक है, आगे आप देखिए इसको, पैसिव वॉइस ऑफ नो एंड मैरी. जैसे कि आपको पता है कि मैरी मीन शादी करना, शादी हासिल करना, नो मीन जानना, राइट, मैरी शादी हासिल करना, नो जानना. ठीक है, नॉट, ओके, वो बात जो मैं आपको अभी बता रहा था वो बात मैंने उधर नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि जब हम इसका यूज करेंगे तो हम क्या बाय यूज करेंगे या बाय के बजाय टू का यूज करेंगे. ठीक है, यू हैव टू लुक, ओके, नॉट, वी यूज टू इंस्टेड ऑफ बाय इन दिस पैसिव वॉइस, राइट, पैसिव वॉइस. हम इस पैसिव में नो का और मेरी का जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो नोट में मैंने आपको ये बात क्लियर किया हुआ है कि हम इसमें चाहे वो नो है या मेरी का इसकी पैसिव वॉइस है, ठीक है, हम इसमें बाय का यूज नहीं करेंगे, रादर वी विल यूज टू, ओके, बाय प्रेस का यूज नहीं करेंगे, हम टू का यूज करेंगे. ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल में इसका बताया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, मैंने दो एग्जांपल दी हुई है मेरी के साथ भी और नो के साथ भी, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब हम इसका बनाएंगे तो हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फिर गलत तसव्वुर हो जाएगा, दैट्स कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग. ठीक है, ये गलत तसव्वुर हो जाएगा. स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, मैंने आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा हुआ है ताकि आपको स्ट्रक्चर का भी पता चल जाए. एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्टो प्लस नो मैरी प्लस ऑब्जेक्टो, ये प्रेजेंट डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर है. मैंने नो और मेरी के साथ का यूज किया हुआ है, पास का भी आप बना सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर का भी आप बना सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट का यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस नो मैरी प्लस ऑब्जेक्टो. ठीक है, ये तो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में हम जो यूज करते हैं सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है. ठीक है, पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे पैसिव स्ट्रक्चर, तो हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर इस तरह करेंगे, ऑब्जेक्टो प्लस बा प्लस बी ऐसे मान, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये मैंने वो यहाँ पे यूज किया प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का. ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका यूज हुआ है तो उसका मतलब ये कि हम बी बी का यहाँ पे इसका बी पैसिव जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम बी का यूज करेंगे, जो हम यूज करते हैं बी पैसिव वॉइस में. ठीक है, और प्रेजेंट डिपेंडेंस पैसिव वॉइस में तो हम यूज करते हैं बी एस एम आर. ठीक है, जैसे कि मैंने वो अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि हम जब अगले टेंस का जब हम पैसिव वॉइस करते हैं, ठीक है, तो हम जो इससे अगला टेंस जो होता है, दूसरा टेंस का जब हम पैसिव वॉइस करते हैं या पहला टेंस का जो हम पैसिव वॉइस करते हैं, तो इसे जो अगला टेंस होता है
उसे हम वो एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उसे उठाते हैं, ठीक है, उससे उठाते हैं और इसमें यूज करते हैं, पहले वाले में यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को जाएंगे, उससे वहां पर जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब है एज ए मार है वो प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप पास्ट कंटिन्यूस के जो वाज और पैसिव वाज और हेल्पिंग वर्ब है आप उन दोनों को उठाएंगे, यहाँ पे इसमें पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर फ्यूचर का आप करेंगे तो फ्यूचर में इसका फ्यूचर का जो विल भी है उसको उठाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का और फ्यूचर इंडिपेंडेंस में इसका यूज करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइम, ओके। ऑब्जेक्ट प्लस बी एज ए मार्क प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस टू प्लस अ सब्जेक्ट। यहां पर अगर आप देखें शुरू में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हम पैसिव वॉइस में उधर पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एज ए मार्क यहां पे इसका यूज करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि आपको पता है कि हम पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस की आपको मैंने एक बात बताया था कि जब भी हम यूज करेंगे कि पैसिव वॉइस करेंगे चाहे वो टेंस का हो, मॉडलिटी का हो, ठीक है, या मेरी नो का हो, इसमें हम जो यूज करेंगे इसमें जो चीज यूज होती है पैसिव वॉइस में वो जनरल फार्मूला अभी मैं वो आपको कई बार लिख चुका हूँ वो टेंसेस लेक्चर में कि इसके लिए हम यूज करते हैं वो जनरल फार्मूला बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। ये बात आपको यू हैव टू बेयर इन माइंड, ये बात आपको जहन में रखना चाहिए, ठीक है। सारे पैसिव वॉइस में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंसेस का हो या पैसिव और मॉडलिटीज का हो, ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस। प्लस टू, जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि इसमें हम बाय का बाय फ्रेज का यूज नहीं करते, बाय फ्रेज का यूज नहीं करते, इसमें हम जो यूज करते हैं बाय के इंस्टेड ऑफ बाय वी यूज अ टू, इसमें हम बाय के बजाय टू का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे इसके सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि हम इसमें सब्जेक्ट उठाएंगे, इनमें सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे से हम उनको उठाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर एक्टिव वॉइस में यहाँ पर आई आया हुआ है तो इसका मतलब है कि उधर पे हम लिखेंगे मी, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में यहाँ पे वी आया हुआ है तो उसका मतलब है उधर पे हम लिखेंगे अस, ठीक है। इस तरीके से अगर दे है तो उधर पे एंड में हम लिखेंगे दिम, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज वी हैव टू यूज हेयर व्हाट ऑब्जेक्टिव केसेस, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल का यूज किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसा कि मैंने क्लियर किया कि हम बाय के बजाय टू का यूज करते हैं और अक्सर लोग जब इसका यूज करते हैं तो वो गलत लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसका यूज करेंगे तो उसमें आप बाय का यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है, इसमें आप बाय के बजाय टू का यूज करें, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें एक्टिव वॉइस में अगर आप देखें आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, राइट, आई नो हिम, तो यहां पे अगर आप देखें यहां पर ये हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो मैंने यहां पे इसका बनाया सब्जेक्टिव केस, ठीक है। यहां पे एंड में जब भी ऑब्जेक्टिव केस आएंगे तो हम यहां पे शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे हम इसका यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। He is known to me, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को अगर आप देखें ये है ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और आपको तो पता है कि हम ही के साथ जो उठाते हैं वो एज उठाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू में, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो नो का जो पैसिव वॉइस है नो, न्यू, नॉन, राइट, नोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका उठाएंगे नॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो कि फार्मूला में क्या है यहाँ पे मैंने इसका मतलब टू का यूज किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे टू का यूज किया, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। और यहाँ पे जो इसकी जो सब्जेक्ट है जैसा कि मैंने बताया कि हम सब्जेक्ट केस यूज नहीं करेंगे बल्कि सब्जेक्ट का आई का जो ऑब्जेक्टिव केस मी है वो यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मतलब आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी, तो मैंने यहाँ पे इसका अप्लाई किया, ठीक है। इस तरीके से निगेटिव में मैंने निगेशन के लिए इसमें जो हम इनकार करते हैं, ठीक है, मैंने वो इसका मतलब यूज किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि हम जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में हम इसका क्या करेंगे और उसके कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ही इज नॉट नोन टू मी, तो निगेशन के लिए निगेटिव के लिए यहाँ पे मैंने नॉट का यूज किया ताकि आपको पता चल जाए कि निगेटिव में हम यूज करेंगे नॉट, ओके, इज नॉट नोन टू मी। इंट्रोगेटिव में यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेशन करते हैं, ठीक है,
पूछगछ करते हैं, सवाल करते हैं, एक्सेलरी को शोरूम में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक्सेलरी को हमने शोरूम में लेकर, ठीक है, इसको हमने शोरूम में लाया। और जो दूसरी बात है वो है साइन अप ऑफ इंटरोगेशन। हम इसका जो साइन अप इंटरोगेशन है वो हम यूज करेंगे एंड में, ठीक है। अगर ये हमसे मिस हो गया या हमने गलती से नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि आवर सेंटेंस सेट टू बी रॉन्ग, हमारा जो सेंटेंस होगा उसको गलत कहा जाएगा, गलत तस्वर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में जब हम इसका बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम इसमें निगेशन करेंगे, इनकार करेंगे, और इसके साथ साथ इसका मतलब इंटरोगेशन करेंगे, मतलब पूछगछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो बात है जो एक्सिलरी को शोर में लाएंगे, और इसके साथ साथ जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव है, नॉट का यूज़ करेंगे, और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इज ही नॉट नोन टू मी, तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया, ठीक है। निगेशन के लिए, इनकार के लिए मैंने नॉट का यूज़ किया, और इंटरोगेशन के लिए मैंने साइन अप इंटरोगेशन एन में लगाया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर आप देखें, मेरी का ये तो नो का जो पैसिव वॉइस जो मैंने बताया था कि आपको समझ आ जाए कि हम जब नो का बनाएंगे, तो जब भी इस तरीके को आप अडॉप्ट करें, जब भी आप नो का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये बात यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉक दैट वी हैव टू यूज टू इन प्लेस ऑफ इंस्टेड ऑफ बाय, वी विल नॉट यूज बाय इफ इट वॉज यूज, सो इट इज सेट टू बी रॉन्ग सेंटेंस, ओके? ये गलत जुमला तस्वर किया जाए, क्योंकि जब हम मेरी और नो का पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें हम बाय का यूज नहीं करते, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरी का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए, आपको समझ आ जाए कि जब हम मेरी का यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, एक्टिव वॉइस में अली मैरिज नायाब, अली की जो है शादी होती है नायाब के साथ, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, नायाब इज मैरिड टू अली, नायाब की शादी होती है अली के साथ, ठीक है, या नायाब अली को उस अली के साथ इसकी शादी होती है, ठीक है। तो नायाब इज मैरिड टू अली, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें मैंने जो यूज किया इसका, नायाब इज मैरिड टू अली, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्सिलरी है, ये मैरिड है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये वो टू है, ठीक है, और ये है अली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने बाय का यूज़ नहीं किया, ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ पे टू का यूज़ किया, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें जो हम यूज़ करते हैं इसमें बाय का हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेगेटिव में हम निगेशन करते हैं, इनकार का तो उसमें हम यूज़ करते हैं। नायाब इज नॉट मैरिड टू अली, नायाब की अली के साथ शादी नहीं होती है, राइट। इंटरोगेटिव में हम इंटरोगेशन करते हैं, तो इंटरोगेशन के लिए हम एक्सिलरी को शोर में लाते हैं, और उसके साथ साथ जुमले के एंड में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस नायाब मैरिड टू अली, क्या नायाब की अली के साथ शादी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ किया, इसका मतलब ये कि इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे मैंने जुमले के शोरों में एक्सिलरी का यूज़ किया, ठीक है, इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो है, इज़ नायाब नॉट मैरिड टू अली, क्या नायाब की अली के साथ शादी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम निगेशन करते हैं, नॉट लगाते हैं, और उसके साथ साथ इंटरोगेशन एक्सिलरी को शोरों में लाते हैं, और साइन ऑफ इंटरोगेशन को इन में लगाते हैं। स्टूडेंट ये अक्सर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि हमें मेरी और नो में जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है। मेरे ख्याल में आज के बाद अगर आप मेरे लेक्चर को देखेंगे और उसको थॉरली मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड यू प्रैक्टिस ऑन दिस लेक्चर यू विल नेवर फेस दिस प्रॉब्लम अगेन, राइट। मेरे ख्याल में अगर आप मेरे लेक्चर को सही तरीके से आप उसको इस पर समझ जाएँ, ठीक है, समझ सके इस पर, और इसके साथ साथ इस पर प्रैक्टिस करें, मेरी और नो पे प्रैक्टिस करें, और बार बार इसका यूज़ करें कि हम इसमें बाय का यूज़ नहीं करेंगे, रादर वी यूज़ टू, ठीक है, हम इसमें यूज़ करते हैं टू नट बाय, बाय का यूज़ नहीं करते। तो मेरे ख्याल में जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बाद में आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एम्बिग्विटी नहीं होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में करें,
ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो कमिंग वीडियो में बनाऊंगा तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर आपको मिलेंगे और आप उससे यू विल गेट सेटलाइज एंड बेनिफिटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.